आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी की, ममता दी की आज हम बात करेंगे। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि कितना ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। सीबीआई अरेस्ट करने गई थी, पूछताछ करने गई थी, पूछताछ करने गई थी सीबीआई को ही कलकत्ता की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। देखेंगे हम ये शारदा स्कैम जो है क्या है, चिट फंड क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम इस लेक्चर में जानेंगे। ममता दी की अगर बात करें दोस्तों तो इनको बंगाल की शेरनी बोला जाता है और बिल्कुल सही बोला जाता है। इनकी आप जो अगर लाइफस्टाइल देखें बहुत सिंपल है, एक सस्ती सी साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल, पैरों में पुरानी कार और निकल जाती है रैली के लिए। गरीबों का मसीहा इनको बोला जाता है। अगर कहीं पे भी उल्टी सीधी चीज हो रही हो, जैसे कि जब FDI बढ़ाने की बात की रिटेल सेक्टर में, पेट्रोल को एकदम से हाइक कर दिया गया था, पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, रेलवे में किराया बढ़ा दिया गया था, ममता बनर्जी पीछे नहीं हटी, इन्होंने तुरंत गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले लिए। तो ऐसा कुछ ममता बनर्जी का कैरेक्टर है, किसी के सामने ये डरती नहीं है। इन्होंने सपा के नेता को कॉलर पकड़ के घसीट के लोकसभा के वेल से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट ना कर सके जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था। तो काफी फियर्स लीडर है। लेकिन दोस्तों कुछ सालों में, स्पेशली जब से बीजेपी सरकार आई है सेंटर में, तब से वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत गलत है, और कल तो बहुत ही गलत था, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो अभी तक हो रहा है। संवैधानिक ढांचे को नुकसान तो पहुंचाया जा रहा है, आप कुछ भी करें ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसा हम बिल्कुल भी ममता बनर्जी से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अब भैया ये पॉलिटिक्स है, हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें। खैर हम बात करेंगे ममता बनर्जी की लाइफ की जर्नी देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल होती है दोस्तों। आप स्टडी IQ के ब्लॉग्स विजिट करिए, उनकी वेबसाइट विजिट करिए, आपको मिल जाएगा, और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया, आप घर बैठे इन एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम निकालिए, और हमको धन्यवाद करना फिर मत भूलें। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ममता दी की बात करें तो ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 कैलकटा, जो अब कोलकाता है, वहां पे हुआ था। एक लोअर मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली थी। प्रमिलेश्वर बनर्जी इनके पिताजी, गायत्री देवी जो कि एक स्कूल टीचर थी, इनकी माताजी, बहुत ही कम उम्र में ममता दी की पिताजी का देहांत हो गया था, मुश्किलें थी। लेकिन दोस्तों पढ़ाई का इनको बहुत शौक था। आपको पता है कि एक बहुत ही अच्छी पोएट है ये, इनकी ड्राइंग्स इतनी बेहतरीन है, क्या गजब की पेंटर हैं, इनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं। माँ माटी मानुष, इन्होंने काफी किताब भी लिखी है, और माँ माटी मानुष का भी इन्होंने नारा दिया था। तभी तो भैया इनको गरीबों का मसीहा बोला जाता है। पिछले दो टर्म्स में, मतलब 2011 से ये अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, और जो विक्ट्री है ना, स्वीपिंग विक्ट्री है, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। यह दिखाता है कि बंगाल की जनता तो इनके साथ है, इन्होंने काफी कुछ किया है हाल ही में, लेकिन इनके दांव सारे उल्टे पड़ते जा रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था इनको। शुरुआती जो इनकी एजुकेशन है वो देशबंधु शिशु शिक्षालय से इनकी हुई। उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, जो कि वहां का बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, जोग माया देवी कॉलेज है। और उसके बाद इन्होंने लॉ की भी डिग्री ली, फिर मास्टर्स किया इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री से, एजुकेशन की डिग्री ली। तो काफी अच्छा खासा इनका करियर है, पढ़ी लिखी हैं ये, और 15 साल की उम्र में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। दोस्तों बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी उस समय बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा थी, और इंदिरा गांधी की तरह ये बनना चाहती थी। वहां पे इन्होंने, देखिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो बेस्ट यही कि आप कॉलेज पॉलिटिक्स में सबसे पहले इन्वॉल्व होइए, वहां पे आपने अच्छा काम किया तो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको स्पॉट करेंगी। कांग्रेस ने इनको स्पॉट कर लिया। 15 साल की दोस्तों थी, छात्र परिषद संघ को खड़ा कर दिया उस समय, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ द सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, काफी लंबा चौड़ा नाम है, उनके सामने, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, छात्र परिषद को खड़ा कर दिया, जीत गई है। वहां से फिर ये पता चल गया ये रुकेंगी नहीं, ये आगे ही बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज थी। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इनकी पेंटिंग जो है वो काफी करोड़ों में बिकती हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसा है कि उस समय अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में
सीपीआई मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। वैसे कार्ल मार्क्स पे मैंने एक पूरा लेक्चर लिया है पिछले ही हफ्ते, दो पार्ट में वो उसको पब्लिश किया गया है यूट्यूब पे, स्टडी आईक्यू पे, आप देख लीजिएगा, आपको मार्क्सिज्म पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा ही अनयूजुअल है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आई। आप अगर देखें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी यहां पे घुसी हुई है, भैया ये है भारत की ताकत। तो दोस्तों ये 1977 से लेकर 1977 से लेकर 2000 तक बंगाल में सीपीआई का रूल था, 34 साल तक भैया रूल किया है, काफी लंबा, और इसी रिजीम को ढहा दिया था ममता बनर्जी ने। पहले ज्योति बसु पीएम थे, सीएम थे, ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे 1977 से लेकर 2000 तक, उसके बाद बुद्ध थे, भट्टाचार्य बने, और भट्टाचार्य जी के समय में काफी दिक्कतें शुरू हो गई थी भैया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नंदीग्राम जो पूरा वॉयलेंस हुआ इसी के ही चक्कर में, तो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा अपर हैंड मिल गया था, तो ये चीज होने लगी थी। बहरहाल वो बहुत ही जल्दी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बन गई 1976 से 1980 तक, और 1984 जनरल इलेक्शन जब हुए थे बहुत यंग थी ममता बनर्जी, लेकिन इन्होंने जादवपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए सोमनाथ चटर्जी, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन वरिष्ठ नेता थे, वही सोमनाथ चटर्जी भैया जो कि स्पीकर रहे हैं, बड़ा इनको गुस्सा आता था, तो उनको हरा दिया था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा स्विचिंग कैरेक्टर रहा है ममता बनर्जी का, कभी वो बीजेपी के साथ, कभी वो कांग्रेस के साथ, और उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट ही अलग हो गए बिल्कुल, तो ये चीज थी। उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी बनी है इंडियन यूथ कांग्रेस की। 1990 में दोस्तों एक और बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी, बंद का ऐलान किया गया था लेफ्ट द्वारा, और ममता बनर्जी जो है वो अपनी रैली लेके निकल गई थी, ठीक है, अपने पूरे ग्रुप के साथ वो चली गई थी। यहां पे जो सीपीआई का यूथ विंग था, ठीक है, उसके जो लीडर थे लालू आलम, उन्होंने देख लिया ममता दी आ रही हैं, लाठी से दे दनादन पिटाई की, बहुत मारा ममता दी को, उनके फ्रैक्चर में, उनके स्कल में पूरा फ्रैक्चर हो गया था, और दो तीन बार इन पे जानलेवा हमले हुए। हालांकि जब 2011 में जीते तब उसके बाद फिर उसने अपोलोजाइज भी किया, माफी भी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिक्स है दोस्तों, पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता ही रहता है। उसके बाद दोस्तों जब कांग्रेस आई, ठीक है, कांग्रेस मतलब जब पावर में आई, सत्ता में आई 1984 के बाद, तो बिल्कुल एक स्वीपिंग विक्ट्री कांग्रेस ने भी हासिल की थी, और उसके बाद ये ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी, बहुत सारे इनको पोर्टफोलियो मिले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिला, यूथ, उसके बाद फिर मूवमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कमिटीज की ये मेंबर भी बनाई गई, चेयरपर्सन की भी बनाई गई, बहुत सारे इनको पोर्टफोलियो मिलते गए, लेकिन इनको डील करना आसान बिल्कुल भी नहीं था भैया। असली जो इनका दुश्मन था वो तो बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थी। अब सीपीआई की क्या हिस्ट्री बताओ दोस्तों, प्रधानमंत्री को गिनाने में सीपीआई का तो सबसे बड़ा हाथ था, चाहे वो आईके गुजराल हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, या चाहे वो मुरारजी देसाई हो, हर प्रधानमंत्री को हटाने में, सपोर्ट वापस लेने में सीपीआई का बहुत बड़ा हाथ होता था भैया। मनमोहन सिंह भी तो जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके बाद अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, सीपीआई बिल्कुल अगेंस्ट में थी, सीपीआई ने तो अपना सपोर्ट खींचने की बात बोल दी थी ना, और अगर सीपीआई सपोर्ट वापस ले लेती तो कांग्रेस सरकार गिर जाती, तो वो तो मनमोहन सिंह ने भी इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो मैंने पूरा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बुक का रिव्यू किया हुआ है दोस्तों हाल ही में, तो वो मैंने पूरा का पूरा केस बताया है। तो असली दुश्मन तो वेस्ट बंगाल में था सीपीआई, लड़ना ममता दी को इन्हीं से था, और ये आसान भी बिल्कुल नहीं था। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा मौका आया 1997 में। दोस्तों क्या थी कि जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी कांग्रेस में, तो ये अपने हिसाब से चीजों को करना चाहती थी, और कांग्रेस बोल रही थी कि भैया हम कुछ कर रही है, अपने रास्ते जा रही है, तो यहां पे ममता बनर्जी का मूड खराब हुआ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और वहीं से ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, और उसके बाद उन्होंने एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी। दोस्तों कभी कभी अजीब लगता है, आप देखिए इस समय क्या सिनारियो चल रहे हैं, कि तृणमूल कांग्रेस जो एक समय बीजेपी के साथ थी, आज बीजेपी के से इतनी बुरी तरह से उलझी हुई है, लड़ रही है, कि क्या बताएं, सब कुछ ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जो आपस में भिड़े हुए हैं, और जब संवैधानिक संकट बना हुआ है, वो देखिए आप कैसा हो रहा है। एक समय बीजेपी के साथ और आज
उसके अगेंस्ट सब खड़े हुए हैं। ये कमाल की बात है, यही है भैया पॉलिटिक्स। तो दोस्तों 1999 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, एनडीए को ज्वाइन किया। अब दोस्तों एज अ रेलवे मिनिस्टर थी, ठीक है, 2002 में इन्होंने रेलवे बजट भी पेश किया था, उसके बाद 2009 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो तब भी ये रेलवे मिनिस्टर बनी थी, और उसके बाद फिर जब रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया था तो इन्होंने फिर क्विट कर दिया था, और भी बहुत सारे रीजंस थे अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर दिनेश त्रिवेदी जो थे इनके सक्सेसर वो बने थे, तो ये चीज थी। लेकिन एनडीए को भी इन्होंने छोड़ दिया। मैंने बताया ना कि ममता दी का बड़ा स्विचिंग कैरेक्टर है, ठीक है, इन्होंने एनडीए को भी छोड़ दिया। हुआ ये था दोस्तों कि 2001 तहलका भैया जो जिसको भारत की स्टिंग ऑपरेशन मैगजीन बोला जाता था कि भैया स्टिंग कर देती थी, बहुत ही खतरनाक मैगजीन थी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तहलका अपनाती थी, और ऑपरेशन वेस्ट एंड किया था जिसमें एनडीए के काफी नेता फंस गए थे। एनडीए के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे वो तक फंस गए थे। हुआ ये था जो आर्म्स डीलिंग होती है ना, हथियारों की खरीद फरोख्त, उसमें सब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने सीधा प्रोटेस्ट चालू कर दिया, एनडीए से अलग हो गई, लेकिन दोबारा मान मनोवल के बाद वो एनडीए आ गई। 2004 तक रही, कोल एंड माइंस का इनको पोर्टफोलियो दिया गया, लेकिन 2004 में कांग्रेस आ गई तो सब धरा का धरा रह गया। उसके बाद दोस्तों 2009 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे तो ये कांग्रेस के साथ चली गई, स्विचिंग कैरेक्टर याद रखिएगा, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ चली गई। और फिर 2011 में बहुत बड़ी चीज हुई, जब बंगाल में इलेक्शन हुए टीएमसी जीत गई, 293 सीटों पे जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे वो 293 सीट्स पे हुए थे वेस्ट बंगाल के, और उसमें से 227 सीटें मिली थी टीएमसी को, मतलब टीएमसी का जो अलायंस था कांग्रेस के साथ, 184 टीएमसी और बाकी 42 कांग्रेस। तो ये कमाल की बात हो गई, 34 साल का जो लेफ्ट का रूल था बंगाल में वो फाइनली खत्म हुआ, और लेफ्ट फ्रंट के हाथ में कुछ नहीं आया, बुद्धदेव भट्टाचार्य को रेजिग्नेशन देना ही पड़ा, रेजिग्नेशन क्या मतलब हटना ही पड़ा। तो ये चीज थी, और यहां से एक नई जर्नी जो है ममता बनर्जी की स्टार्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों 2012 में हालांकि कांग्रेस से इन्होंने जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लिया था। हुआ ये था दोस्तों कि एफडीआई आ रहा था भैया, भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से खोलने की तैयारी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना था, रिटेल सेक्टर में एफडीआई आ रहा था। ममता बनर्जी ने बोला बिल्कुल भी नहीं, हमारे लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। उसके बाद पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे, हमारे लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ममता बनर्जी का सीधा स्टैंस था। उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मुझे आज भी याद है दोस्तों वो फुटेज, और उसके बाद 72 घंटे में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। 18 सितंबर 2012 का अल्टीमेटम दिया, 21 सितंबर को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई थी फिर कांग्रेस से, और 2011 में तो फिर आ ही गई थी। दोस्तों क्या था कि लेफ्ट के जाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाह रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो बढ़ती जा रही थी, और सबसे जरूरी बात ये हो गई थी दोस्तों कि क्या हो गया था कि जमीनों को लेने की तैयारी हो रही थी, रूरल एरिया से जमीनों को लेने की तैयारी हो रही थी, स्पेशली नंदीग्राम में काफी वायलेंस भी हुआ था, हिंसा हुई थी दोस्तों। गरीबों की 10,000 एकड़ यानी कि 40 किलोमीटर स्क्वायर लगभग उस जमीन को लेके एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडोनेशिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बनाने की तैयारी थी। तो इससे पहले दोस्तों इसको लेकर ऑलरेडी वायलेंस हो चुका था, और ममता बनर्जी बहुत बार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर चुकी थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, पावर नहीं थी उस समय ममता बनर्जी के पास। आपको पता है कि नंदीग्राम वायलेंस में 14 विलेज को शूट किया गया था। क्या था कि जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो गांव में रहते थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बोला कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। यहां पे आर्म्ड फोर्सेस आई, ठीक है, गोली लेके, बारूद लेके, और एक एक को खदेड़ना शुरू किया। और ये सबसे बड़ा भैया, जहां हिंसा होगी, भारत की डेमोक्रेसी की यही ताकत है, अगर कोई पार्टी सही परफॉर्म नहीं करेगी, ये तो कोई इंसान भूल जाए कि वोट बैंक है मेरा, क्योंकि अगर वोट बैंक होता ना तो कभी भी भारत में पार्टीज जीतती ही नहीं, एक ही पार्टी का रूल होता। हिंदुस्तान की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, इतना ज्यादा कभी भी भारत के कलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जहां पे भी लगा कि अगर कोई पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, खराब परफॉर्म कर रही है, हटा देंगे उसको। ये है भारत की ताकत, यही हुआ। लेफ्ट के ये जो डिसीजन थे, ममता बनर्जी ने
इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के गरीबों के राइट्स का हनन कर रही है लेफ्ट सरकार, इसको मुद्दा बना के 2011 में इलेक्शंस लड़े गए और उसके बाद टीएमसी जो है वो फुल पावर में आ गई, चीफ मिनिस्टर बनी है बंगाल की और अभी तक है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 2021 में दोबारा इलेक्शन होने हैं, 2016 में ये दोबारा बनी थी चीफ मिनिस्टर, 2016 में तो और खतरनाक तरीके से उन्होंने विक्ट्री जीत हासिल की थी, तो ये चीज थी। अब दोस्तों ऐसा है कि जब ये पावर में आई सबसे पहले तो इन्होंने वो जमीन वापस की जो गरीबों से ले ली गई थी, वो इन्होंने गरीबों को जमीन वापस करना शुरू किया, इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स चालू किए। भैया देखो अगर भारत में दो रिफॉर्म्स आ जाएं, एक एजुकेशनल रिफॉर्म और एक पुलिस रिफॉर्म, भारत रातों रात चेंज हो जाएगा, लेकिन ये आ ही नहीं रहे हैं। पुलिस की हालत क्या है हम देख रहे हैं और एजुकेशन की तो हालत हम छोड़ ही दीजिए उसको, तो सरकारी स्कूल में मेरे घर के बगल में एक सरकारी स्कूल है, वहां पे स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिखते, गाय दिखती हैं, भैंस दिखती हैं, तालाब बना हुआ है, तो इस तरीके से। और बाकी वहां पे जो टीचर आते हैं मंथली 60-70 हज़ार रुपए पा रहे हैं, तो ये किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ो वही चीज है। लेकिन ममता बनर्जी ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आई, पूरी पूरा पूरा जो कोलकाता जो पूरा शहर है उसको ज्यादा पावर दी, पुलिस पावर दी उस पूरे शहर को, एक एक कलकत्ता का जो म्युनिसिपल एरिया था वो सब कुछ कोलकाता पुलिस के अंदर आया। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों हेल्थ स्कीम, इन्होंने हेल्थ स्कीम लॉन्च की थी और इन्होंने बोला था कि हम ये तीन फेज में लॉन्च करेंगे, जो भी गरीब नागरिक है, अगर देखिए गरीबों गरीब होने का अभिशाप नहीं है, गरीब का बीमार पड़ जाना अभिशाप है। आयुष्मान स्कीम एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, हम आशा करते हैं कि वो बिल्कुल सक्सेस हो, लेकिन दोस्तों पहले हमको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना होगा, सरकारी अस्पताल की हालत क्या है वो हमको पता ही है। तो यहां पे ममता बनर्जी ने ये सोचा कि हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही रिफॉर्म करेंगे, तो तीन उनका मेन एम था, एक तो एजुकेशन को रिफॉर्म करो, उसके बाद हेल्थ सिस्टम को, पूरा हेल्थ सेक्टर को, और उसके बाद फिर पुलिस, ये तीनों पे एम किया इन्होंने और इस पे काफी सफल भी रही, इसीलिए तो 2016 में जीती वो, लेकिन 2016 के बाद बड़ी दिक्कत हो गई। तो ऐसा है दोस्तों कि टीचर्स की मंथली पेंशन, क्विक मंथली पेंशन, पहली तारीख को टीचर्स की सैलरी आ जानी चाहिए, ये सब इन्होंने किया। देखिए हिस्ट्री से इनका पूरा ग्रेजुएशन था और पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो इन्होंने कुछ मेट्रो स्टेशन के नाम भी बदले, खाली योगी जी ही नहीं नाम बदलते हैं, इन्होंने भी नाम बदले और कुछ फ्रीडम फाइटर्स पे रख दिए, तो ये चीज है। बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन ने भी इनकी तारीफ की थी कि जब से इनका पूरा टर्म है, पूरा जो इनका टर्म रहा है, अभी तक एक भी केसेस पोलियो के नहीं हुए हैं, तो दोस्तों ये कमाल की बात थी। अब दोस्तों ऐसा है कि इसी इतने अच्छे इनिशिएटिव से जो इन्होंने लिए, गरीबों के लिए इनिशिएटिव लिए, और 2016 में जब इलेक्शन हुए तो 2016 में भी ये जीत के आई और 293 में से 211 इन्होंने हासिल की, तो यहां पे लेफ्ट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों 2016 के बाद चीजें बिल्कुल अलग हो गई, जब से बीजेपी आई है, बीजेपी और ममता बनर्जी की बिल्कुल एकदम एंटी है, ठीक है, मतलब जमीन आसमान सूरज और चांद इस तरह का कुछ दोनों का जो ट्यूनिंग है वो इस तरीके से है। अभी तो ऐसा बोला गया था कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को फोन किया और बहुत ही दुखद है कि फोन पे ही दोनों की बहस हो गई, तो ये दोस्तों देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब अगर हम बात करें कि हुआ क्या, कल क्या हुआ और ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रोवर्सीज हम देख रहे हैं वो क्या है, बहुत सारे स्कैम हुए हैं लेकिन मैं शारदा स्कैम खोलूंगा। देखिए दोस्तों सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा है कि ये चिटफंड घोटाला है, शारदा स्कैम की बात करें 25,000 करोड़ का घोटाला है। दोस्तों चिटफंड होता क्या है, चिटफंड की अगर बात करें तो ये दोस्तों एक तरीके से सेविंग कम बोरोइंग स्कीम है। मतलब क्या है कि यहां पे कुछ लोग आते हैं, मैं एग्जांपल्स से समझाता हूं, ठीक है, एग्जांपल्स से समझाता हूं। एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्ट करता है एक कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई चिटफंड कंपनी स्टैब्लिश हो गई तो ग्रुप ऑफ पीपल उसमें इन्वेस्ट करेगा, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, हर एक इंसान ने 3,000 रुपए देना शुरू किया उस कंपनी को, तो 10 मंथ में 10 लोग कितने दे देंगे, मतलब 10 मंथ में कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, 30,000 रुपए 10 महीने में। अब मान लीजिए कि इन 30,000 रुपए कंपनी में कितने मेंबर है, 10 मेंबर, ठीक है, और आपके पास कितने रुपए हैं टोटल कंपनी के पास, 30,000 रुपए। अब इसमें कोई भी एक इंसान, कोई भी एक मेंबर कुछ इसमें पैसे चाहता है, मैंने बोला ना सेविंग्स कम्स बोरोइंग स्कीम, पहले आप कुछ पैसा डोनेट करते हैं और वो एक अच्छा खासा अकाउंट, मतलब एक अच्छा खासा जब फंड इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से आप उधार ले सकते हैं। तो कुछ लोगों को, अगर मान लीजिए कोई एक मेंबर है
टीम का, उसको 27,000 रुपए चाहिए और एक दूसरा मेंबर उसको 26,000 रुपए चाहिए। तो जो दूसरा मेंबर है, सिंस उसकी बोली कम है, 26,000 रुपए बिडिंग होती है दोस्तों, तो चिटफंड से आप निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां पे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फंड बनाते हैं और उसके बाद उसे उधार ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो पूरा फंडिंग थी, ऐसा बोला जा रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ, इस पर जांच होगी तब देखा जाएगा, ये जो पूरा फंडिंग सिस्टम है ये टीएमसी कोऑर्डिनेट करने लगी थी। लेफ्ट इतने सालों तक उसने रूल किया और एक हेलीकॉप्टर वो अफोर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन ममता दी की जितनी भी रैली थी वो हेलीकॉप्टर से ही होती थी। आरोप ये लगा है कि यहां के जो क्या कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस थे टीएमसी के, उन्होंने गांव गांव जाके ये बोला कि आप सब लोग जितने भी गांव वाले हैं इसके मेंबर बनिए, चिट फंड में डोनेट करिए, इन्वेस्ट करिए, आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो पैसा है चिट फंड का, ये नेता निकाल रहे थे, निकालते गए पैसा, निकालते गए, गरीबों गरीब पैसा इन्वेस्ट करते गए, नेता पैसा निकालते गए, निकालते गए, और एक दिन कंपनी में के पास पैसा खत्म हो गया, कंपनी कोलैप्स कर गई। तो इसके जो क्या कहते हैं कि जो मालिक थे, ठीक है, सुदीप्तो सेन और देवजानी मुखर्जी, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। इसी की ही मांग उठ रही है कि भैया ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इसको इन्वेस्टिगेट करो। इसी के लिए सीबीआई गई, सीबीआई को कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और यहां पे अब देखिए, अगर जांच होनी चाहिए तो मुझे, अगर कोई इंसान साफ है, जिसके हाथ हाथ साफ है, बिल्कुल उसका जो अकाउंट है पूरा साफ है, तो उसको डरना ही नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां पे ममता दी ने क्या किया कि कल पूरा का पूरा ये नाटक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और उसके बाद इस समय तो धरने पे बैठी हुई है। अब देखिए क्या होता है आगे, क्या सेंट्रल फोर्स क्या एक्शन लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। लेकिन अब पॉलिटिकल ड्रामा तो बहुत होने वाला है दोस्तों, बहुत लोगों को, एक स्पेशली न्यूज चैनल्स को तो उनका पूरा मसाला मिल गया। अब देखिएगा आगे क्या क्या होता है। ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी, और भी दोस्तों कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, इसमें रोज वैली स्कैम भी हुआ है, फिल्म सिटी स्कैम भी हुआ है, फ्लाईओवर गिर गया था, उसके बाद भैया वॉयलेंस दोस्तों, पंचायत इलेक्शन में बंगाल में जो वॉयलेंस हुई है, उसके बाद प्री पोल्स में जो प्री इलेक्शंस होते हैं उसमें जो वॉयलेंस हुई है, बीजेपी को मारा जा रहा है और इधर बीजेपी वाले यहां मार रहे हैं, और ममता दी पे आरोप लग रहा है कि कोई भी अगर इंसान बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो उनको मारा जा रहा है, टीएमसी वाले उनको मार रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा, ये बिल्कुल सही नहीं और ये सच है, ये एकदम प्रूव्ड है, ठीक है, इसके बाकायदा एविडेंस है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को इंटैक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा मैटर है और ये ममता बनर्जी का अभी तक का जीवन है। काफी काम किया है, अच्छे से काम करेंगी तो और आगे बढ़ेंगी, नहीं काम करेंगी तो भैया जनता के पास ताकत है, वो तो सरकार बदल देगी। आई होप ये लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।